जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू त्योहारों की जब बात आती है तो उसमें अक्षय तृतीया का एक खास महत्व है। अक्षय तृतीया का पावन पर्व वैशाख के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, मान्यता ऐसी है कि माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अक्षय तृतीया का दिन बेहद ही शुभ माना जाता है और इस दिन माता लक्ष्मी अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती है, उनकी हर मनोकामना को पूरी करती है। और साथ ही दोस्तों, इस दिन यानी कि अक्षय तृतीया के दिन, जिसे आखा तीज भी कहा जाता है, उस दिन सोना खरीदने और मांगलिक कामों के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। दोस्तों, इस दिन विशेष तरह की जो पूजा की चीजें हैं और अन्य चीजें, उनकी खरीदी की जाती है, बहुत ही शुभ माना जाता है सोना। लेकिन सोने के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अक्षय तृतीया के दिन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। कौन सी वो चीजें, जानने के लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। साथ ही दोस्तों, उनमें से अगर कोई चीज आपके पास ऑलरेडी हो, जैसे कि श्रीयंत्र वगैरह है, तो आपको नया नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपके घर में ऑलरेडी है तो उसे साफ स्वच्छ करके, आप गंगा जल से पवित्र करके इस दिन यानी कि अक्षय तृतीया के दिन उसकी पूजा अवश्य करें। जो भी चीज आपके पास ऑलरेडी, उसे आप और ना खरीदें। और साथ ही इस दिन अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप जितना हो सके दान करें, क्योंकि दोस्तों अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ना हो, यानी कि आपके द्वारा किया गया दान कभी भी क्षय नहीं होगा, उसका पुण्य आपको जन्म जन्मों तक मिलता रहेगा, यानी कई हजार गुना आपको अपने किए हुए कर्मों का फल मिलेगा। इसलिए दोस्तों, इस दिन बुरे कामों से बचना चाहिए, गलतियों से बचना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से शुभ फल कई हजार गुना होके मिलता है, वैसे ही हमें हमारी गलतियों की सजा भी कई हजार गुना ज्यादा मिल सकती है, क्योंकि हमारी गलती की वजह से माँ लक्ष्मी खुश होने की बजाय हमसे नाराज हो सकती है। इसलिए दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, ये जो अक्षय तृतीया है, बहुत रूपों में मनाई जाती है। ये तिथि हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र मानी गई, क्योंकि बद्रीनाथ धाम के जो कपाट है, दरवाजे, वो इसी तिथि के दिन खुलते हैं। और वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी का जो मंदिर है, उसमें इसी दिन श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं। इसके साथ ही कुबेर देव को जो धन संपत्ति मिली माँ लक्ष्मी से, उसकी प्राप्ति भी अक्षय तृतीया के पावन दिन ही हुई थी। इसलिए इस दिन को बहुत अधिक शुभ माना जाता है दोस्तों। इसलिए बहुत छोटी छोटी बातें जिनका कि आपने ख्याल रखना है। और फ्रेंड्स, साथ ही अगर आप अपना देश चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब बटन का जो रेड बटन है उसको क्लिक कर दीजिए और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें, ताकि चैनल के थ्रू जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिले, उसमें आप कोई भी मिस ना हो, उसका पूरा फायदा आपको मिल सके। साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, जान पहचान के लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हो सकता है अगर उन्हें इन चीज़ों का पता ना हो, तो इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू उनकी लाइफ बेटर से बेस्ट बन सकती है। तो ये जरूर करें, शेयर जरूर करें। और साथ ही दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्णा या फिर अपने इष्ट देव का नाम, ताकि उनकी कृपा आपके पूरे परिवार को मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, इस दिन हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली चीज दोस्तों, गंदगी का ख्याल रखना है। घर में गंदगी बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत अधिक पसंद है। जिस घर में साफ सफाई रहती है, माँ लक्ष्मी उस घर में वास करती है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन घर को अच्छी तरह से साफ कर ले, और सुबह जल्दी उठकर आपने साफ सफाई करने के बाद में घर के मेन गेट को हो सके तो आम के पत्तों की बंधनवार से सजाएं, पीले फूलों से सजाएं और घर के बाहर रंगोली बनाएं। दोस्तों, इस दिन शुद्धता का विशेष ख्याल रखना चाहिए। और अक्षय तृतीया के दिन दोस्तों, आपने नहा धोकर ही मंदिर को छूना चाहिए, बिल्कुल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए, और हो सके तो नए कपड़े पहने, लेकिन जरूरी नहीं कि आप नए कपड़े पहने, लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहने, हो सके तो पीले रंग की कछुआ वो आपने ड्रेस या साड़ी पहननी चाहिए। अगली चीज का ख्याल रखना है दोस्तों, वो है तुलसी के पौधे को आपने शुद्धता के साथ हाथ लगाना चाहिए, बिना नहाए
तुलसी के पौधे को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि दोस्तों तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखता है और शास्त्रों की माने तो तुलसी का पौधा भगवान विष्णु को विशेष तौर पर प्रिय, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन बिना स्नान किए तुलसी के पौधे को आप ना छुए। और अगर रविवार है उस दिन तो आपने ख्याल रखना है तुलसी के पत्ते आपने पहले दिन ही तोड़कर रख लेने हैं और भगवान श्री हरि को आपने इस दिन तुलसी के पत्तों का के साथ में भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। इसके साथ दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन आपने ख्याल रखना है कि भूल कर भी इस दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन गुस्सा करने से दोस्तों माँ लक्ष्मी जो नाराज हो जाती है। साथ ही पूजा के समय अशांति बिल्कुल भी ना फैलाए, घर का अगर वातावरण अच्छा नहीं होगा तो वह माँ लक्ष्मी वास नहीं करती है। इसके साथ दोस्तों जो लोग दूसरों का अहित सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, उसके पास माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं टिकती है। अपने मन को साफ रखें, बुरी भावनाओं से बचें। किसी ने अगर आपका बुरा किया भी हो तो उसके लिए किसी तरह की गलत भावना ना रखें। और पूजा के बाद गरीबों को आपने दान जरूर से करना चाहिए, भोजन दान और जलदान सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है दोस्तों इस दिन, इसलिए आप जरूर से अन्नदान और जलदान इस दिन अवश्य करें। और अगर आप सामर्थ्यवान और शक्तिवान और आपका शरीर इस चीज की इजाजत देता हो तो इस दिन आपने रक्तदान जरूर से करना चाहिए। और अगली चीज इसका ख्याल रखना है वो दोस्तों उन लोगों के लिए जो कि जनेऊ धारण करते हैं, जिनके यहाँ पे जनेऊ उपनयन संस्कार होते हैं, उन्हें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि इस दिन यानी कि अक्षय तृतीया के दिन उपनयन संस्कार नहीं करवाया जाता है, शास्त्रों में ऐसा वर्जित है। इसलिए दोस्तों अगर जो लोग पहली बार जनेऊ धारण करने वाले हों तो उन्हें अक्षय तृतीया के दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है सभी कामों के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है अक्षय तृतीया, शादी विवाह के लिए तो अबूझ मुहूर्त माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बिन बूझे मुहूर्त मिला क्या तेरस क्या तीज, यानी तेरस और तृतीया तिथि को सबसे शुभ माना जाता है और अक्षय तृतीया तो अपने आप में ही अबूझ मुहूर्त है, लेकिन उपनयन संस्कार के लिए नहीं, जनेऊ पहनने के लिए बिल्कुल भी शुभ दिन नहीं होता है, तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। साथ ही दोस्तों अगर आप उपवास करते हैं अक्षय तृतीया के दिन तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि अक्षय तृतीया के दिन आपने उपवास को खत्म नहीं करना है, आपने अगले दिन सुबह जो है स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करने के बाद में ही अपना उपवास खत्म करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन आपने अगर उपवास धारण किया है तो उसे पूरे दिन आपने उपवास करना है, आपने उस दिन फिर भोजन नहीं करना चाहिए। अगली चीज इसका ख्याल रखना है दोस्तों वो ये कि निर्माण कार्य नहीं करवाया जाता है अक्षय तृतीया के दिन, क्योंकि दोस्तों नॉर्मली क्या होता है गृह प्रवेश इत्यादि के लिए जो अक्षय तृतीया का दिन है वो सबसे शुभ माना जाता है, इस दिन आप घर खरीद सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन नए घर का निर्माण या किसी भी तरह का निर्माण कार्य जो वो इस दिन नहीं करवाया जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि अगर इस दिन निर्माण कार्य करवाया जाता है तो वो कंटिन्यू चलता है, वो कभी खत्म नहीं होता, इसलिए दोस्तों इस दिन को अवॉइड किया जाता है निर्माण कार्य के लिए। तो अगर आप भी नया घर बनवाने जा रहे हैं, कोई नया अपना ऑफिस या किसी तरह का निर्माण कार्य करवाने जा रहे हैं तो आपने अक्षय तृतीया के दिन उस काम को स्टार्ट नहीं करना है। बाकी दूसरे कामों के लिए कोई नया बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, कोई नया काम स्टार्ट करें तो उसके लिए जो है अक्षय तृतीया का दिन सबसे शुभ होता है। अगली चीज का ख्याल रखना है वो सो वही है कि इस दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए दोस्तों, इस दिन जो है शास्त्रों में यात्रा करने को वर्जित माना गया। इसके पीछे भी एक लॉजिक यही है कि इस दिन अगर यात्रा शुरू की जाए तो वो कभी भी खत्म नहीं होती है, यानी कि इंसान फिर अपने घर से दूर ही रहता है, इसीलिए शास्त्रों में इस दिन को यात्रा के लिए जो है वो उचित नहीं माना गया है। दोस्तों इन सात बातों के साथ में ही आपने कुछ और छोटी छोटी बातें जिनका ख्याल रखना चाहिए। पहली चीज़ तो इस दिन आपने गंगा स्नान करना चाहिए, और गंगा स्नान पॉसिबल ना हो तो अपने घर के जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल के, यानी पहले बाल्टी में गंगा जल डालें और फिर उसके बाद में सामान्य जल, क्योंकि बोलते हैं कि गंगा जल में जो पानी मिलाया जाता है वो गंगा जल बन जाता है, तो आपने बाल्टी में सबसे पहले गंगा जल डालना है और उसके बाद में सिंपल जल डालना है, हो सके तो काले तिल डालकर इस दिन आपने स्नान करना चाहिए। और अक्षय तृतीया के दिन दोस्तों के हो सके जितना आपने दान करना चाहिए, और साथ ही बहुत ही जरूरी काम है वो ये कि इस दिन अपने पितरों के निमित्त आपने पिंड दान या पिंड तर्पण का कार्य या उनके निमित्त
वही दान जो है वो जरूर से करना चाहिए दोस्तों। ऐसा करने से इस दिन किए हुए दान का पुण्य फल आपके पितरों को मिलता है, इसलिए ये कार्य आप जरूर से करें दोस्तों। इससे आपके पितरों को तृप्ति मिलेगी, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा और इसके प्रभाव से अगर आपके घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष होगा तो वो स्वतः ही दूर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल स्वयं सिद्ध बात है कि जिस घर पे उनके पितरों का आशीर्वाद होता है उस घर में किसी भी तरह के वास्तु दोष होते हैं वह असर नहीं करते हैं। इसलिए आपने जरूर से अपने पितरों के निमित्त इस दिन पिंडदान और तर्पण का कार्य वह जरूर से करना चाहिए। इसके साथ ही जल से भरे हुए मटके, घड़े, जो मिट्टी के पात्र हैं, पंखे, खड़ाव, जो ठंडी चीजें हैं, छाता हुआ चावल, नमक, खरबूजा, मौसमी फल, ककड़ी, सत्तू आदि वस्तुओं का आपने दान करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन अगर हो सके तो आप नए वस्त्र आभूषण जरूर धारण करें और बहुत ही मन से माँ लक्ष्मी की जो है इस दिन आपने पूजा अर्चना करनी चाहिए। दोस्तों आप भी इन सब बातों का ख्याल रखिएगा और साथ ही अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर, जान पहचान के लोग, घर परिवार के सदस्यों, सभी के साथ आप इस जानकारी को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस जानकारी का फायदा मिल सके। साथ ही दोस्तों आपने कमेंट में जरूर से ये बताना है कि इस साल अक्षय तृतीया पर आप क्या चीज खरीदने वाले हैं, जरूर से शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक जय श्री कृष्णा।